चुनाव स्थगन को लेकर छात्रों के साथ धोखा, आदेश वापस ले सरकार। कॉलेज छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम खून से लिखा खत। छात्र संघ चुनाव न होने पर युवाओं में आक्रोश। आए दिन हो रहे हैं प्रदर्शन। आज भी युवाओं ने आरआर कॉलेज में अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर आक्रोश जताया। छात्र संघ चुनाव होने के लिए मुख्यमंत्री को अपील की। छात्र संघ के अध्यक्ष देवेंद्र ने बताया कि सरकार ने इस बार छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए हैं। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो विद्यार्थियों के हित में कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी पर उतर जाएगा। उनकी यही मांग है कि छात्र नेता कॉलेज में होना चाहिए। वहीं अंकित गुर्जर छात्र ने बताया कि छात्र नेता 365 दिन सभी बच्चों की सहायता करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल स्वयं कहा था कि मैं छात्र राजनीति से निकलकर बड़े स्तर के नेता बना हूं, और यही चीज सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। सरकार ने चुनाव पर रोक लगाकर ये सोचा है कि एक किसान का बेटा एक गरीब स्तर का युवा छात्र संघ चुनाव जीतकर बड़े स्तर पर ना पहुंच पाए, इसलिए सरकार ने हमारे चुनाव पर रोक लगा दी है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ तो युवा फिर सड़कों पर उतरेगा और इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको पता है कि सरकार ने इस साल छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए हैं। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो विद्यार्थियों के हित में काम नहीं होगा। कॉलेज प्रशासन मनमानी करने लगेगा। छात्र नेता रहता है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन छात्र अध्यक्ष ही नहीं होगा तो यहाँ पे कॉलेज प्रशासन की मनमानियाँ चलेंगी। और ये हम ये नहीं चाहते कि कॉलेज प्रशासन वगैरह मनमानी करें, तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। क्या नाम आपका? देवेंद्र उर्फ बच्चा यादव, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय अलवर। जी भैया, आज जो आपने खून से लेटर लिखा है, किस लिए लिखा है और किसको लिखा है और क्या मांगे आप? ये आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता रहता है कि छात्र नेता 365 दिन कॉलेज में सभी बच्चों की हेल्प करता है, सब कार्य करता है, लेकिन उसको इस चीज का बड़ा दुख होता है कि जब उसकी मेहनत पर कुछ पानी फिर जाता है। उसके बाद गहलोत सरकार ने, खुद गहलोत ने पिछले साल बताया था कि मैं खुद छात्र राजनीति से निकल के इतने बड़े वहां पर पहुंच गया। उनको ये चीज हमारे लिए भी सोचनी चाहिए। उन्होंने ये इसलिए किया है कि हम यहाँ से आम जनता, गरीब किसान का बेटा छात्र राजनीति से निकल के कुछ बड़े पदों पर, कुछ आगे निकल के कुछ नहीं कर पाए। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि छात्र संघ चुनाव हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित गुजर, राजरी महाविद्यालय अलवर।